ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेंगे और लेटेंट हीट की बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि किसी भी वन यूनिट ऑफ मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और इसका फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू 1/m dQ/dt, वेयर डी इज़ द टेम्परेचर, क्यू इज़ द रेज इन टेम्परेचर एंड एम इज़ द मास ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट। सो यूनिट इज जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पर उसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं, और 1 कैलोरी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्टली आपको ऐसे ही इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेटेंट हीट की बात कर लेते हैं। तो लेटेंट हीट को हम जैसे यहाँ पर स्पेसिफिक हीट है, वहाँ पर हम लेटेंट हीट को L से लिखते हैं। सेम जो है फार्मूला हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम L से लिखते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q/m, राइट। यानी यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का जो है, जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी अगर हम मास को कांस्टेंट रख, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, ठीक है, तो यूनिट मास में जो हीट इंक्रीज हो रहा है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। यानी यूनिट मास चेंज इन ही द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अभी जैसे हमने बात करा कि भाई स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, या गैस से फिर वो लिक्विड में आ रहा है, या फिर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो ये जो स्टेट चेंज हो रहा है, यूनिट मास अपना स्टेट चेंज कर रहा है, उसमें जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर रेज हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वो सेम सब्सटेंस के लिए हो रहा है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर रेज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। यहाँ पर स्टेट चेंज नहीं हो रहा है और यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, बस डिफरेंट सिर्फ इतना ही है। और जो अमाउंट यानी 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ चेंज, जो टेम्परेचर यहाँ पर क्या रखा गया है, कॉन्स्टेंट रखा गया है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या रखा गया है, वेरिएबल रखा गया है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस यानी सेम स्टेट में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज हो रहा है यूनिट मास के केस में, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है, यूनिट मास का स्टेट चेंज होने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है, जबकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखा है हमने, तो उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं कि भाई अभी हमने बात करी कि इसमें आप स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो किस किस स्टेट में जाने पर कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है और उसको हम हीट देते हैं, यानी हीट दिया हमने, उसको गर्म किया और वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, ठीक है। और जिस पॉइंट पर वो सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस है उसको हमने ठंडा किया, यानी अगेन हीट को डिक्रीज किया, और वो लिक्विड से सॉलिड में चला गया, तो उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। और ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और उसको हम हीट दे रहे हैं, यानी गर्म किया और लिक्विड से वेपर में चेंज हो गया, तो उसको हम कहते हैं वेपराइजेशन,
ठीक है, और उस पॉइंट को जहाँ पर वेपर और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर बात करें कि वो वेपर ठंडा किया, हमने वेपर को ठंडा किया और वो अगेन लिक्विड में चेंज हो गया, तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए, सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए, डायरेक्टली चेंज हो जाए बिना लिक्विड में चेंज हुए, ठीक है, तो वहां पर होता है सब्लिमेशन, और ऐसे पॉइंट को हम सब्लिमेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी थी इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, और आगे फिर हम फिर डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह। बाकी आपको हीट ट्रांसफ़र नहीं पढ़ना है, यानी कंडक्शन नहीं पढ़ना है आपको, हीट ट्रांसफ़र का कोई टॉपिक आपको इस बार सिलेबस में नहीं पढ़ना है। ओके, थैंक यू।